अच्छा, अपना परिचय दीजिएगा तो। मेरा नाम संजू देवी है, मुसहरी राधा नगर घर है, ग्राम सभा महला सभा अभियान समिति 125 मुजफ्फरपुर जिला में चला रहे हैं। अभी जो है 125 ग्राम सभा मुजफ्फरपुर जिले में चला रहे हैं, उसमें जो है ग्राम सभा जो लगता है उसमें जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे समस्याएं आते हैं, भूमिहीन है और सारे चीज़ जो है सब समस्याएं उसमें जो आते हैं, जनता को जनता लोग रखते हैं उस समस्या को प्रतारित, जब वहाँ पर पास जब होता है वहाँ से लेकर ब्लॉक पर खंड में जाते हैं, सीओ से बीडीओ से मिलते हैं, वहाँ से काम कराते हैं और वहाँ से अगर वहाँ से फिर जाना पड़ता है जिला में तो जिला अधिकारियों से मिलते हैं, जिला अधिकारी से मिलकर काम भी वहाँ से भी बात कर काम कराते हैं। अगर वहाँ किसी तरह से परेशानी होता है हम लोग का काम में तब प्रदर्शन भी करते हैं, संगठन के माध्यम से प्रदर्शन भी होता है, प्रदर्शन से हम लोग जो है उसमें संघर्ष भी करते हैं, संघर्ष कर अगर अनशन भी करना पड़ता है तो हम लोग अनशन करते हैं, अनशन 14 दिन 12 दिन 11 दिन ऐसे चलता है। अनशन में 2015 में 11 दिन के अनशन हुआ था, उसमें बहुत सारे भूमिहीन लोगों को बात रखा गया था, उसमें अनशन के होने के बाद जो है संगठन के माध्यम से 5000 कुछ लोगों को, भूमिहीनों व्यक्ति को हम लोग भूमि दिवाए, हम भी भूमिहीन हैं, हमको पास भी रहने के लिए ज़मीन नहीं, हम भी सरकारी ज़मीन में रहते हैं लेकिन संघर्ष करते हैं, संघर्ष के माध्यम से जनता के लड़ाई लड़ते हैं, अपनों लिए भी लड़ते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये सब जो संघर्ष आप करते हैं तो आपको इससे क्या फ़ायदा मिलता है, क्यों करते हैं, इससे क्या फ़ायदा है आपको? इससे फ़ायदा होता है कि हमारे समाज में भी खुशहाल हो, हम भी अपना संघर्ष करते हैं कि हमको भी परिवार हो, हंसी खुशी जिंदगी आगे जीते रहें। बहुत सारी समस्या है, संघर्ष के माध्यम से संगठन के माध्यम से हम लोग बहुत सारे सीखे हैं, जहाँ बोलने का कोई हम लोग का बोलने नहीं देता था, जहाँ पर बात करने भी नहीं देता था, बैठने भी नहीं देता था, आज संगठन के माध्यम से आज जो है हम लोग हर जगह बात करते हैं, बोलने देता है लोग, बात भी होता है, बैठने भी देता है, लोग बुलाते हैं, मान सम्मान भी देते हैं। हम लोग का बहुत सारा समस्या जो है संगठन के वजह से मिला है, जिस समय रहने के लिए हम लोग बहुत इस ज़मीन पर कीड़ा के तरह जिंदगी जी रहे थे, नाले के कीड़ा के तरह हम लोग यहाँ पर जी रहे थे, लेकिन आज संगठन में जब से हम लोग 10 साल पहले से संगठन में जुटे हैं उस समय से अब जो है बहुत सारा देखने से मिल रहा है कि अब हम लोग का बहुत फायदा हुआ है संगठन के माध्यम से।